आजकल की राजनीति की दशा और दिशा क्या है यह स्वयं राजनेता भी नहीं जानते। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि कुर्सी के लिए जो भी करना पड़े, कितना भी नीचे गिरना पड़े, उन्हें कबूल है। आज की राजनीति ना अपनों को जानती है और ना परायों को। वह जानती है सिर्फ कुर्सी को। उसे हासिल करने के लिए जो भी करना पड़े उस सब के लिए तैयार है। आज देश के आम वोटर की चुपचाप यह सब देखते रहने की मजबूरी है, क्योंकि उनके सुख दुख की डोर इन्हीं नेताओं से बंधी है। संसद देश की सर्वोच्च विधायिका है। संसद की ही जिम्मेदारी है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए तमाम नियम कायदे कानून की शक्ल में संसद से बनकर निकलते हैं। मुख्य तौर से संसद के दो काम हैं। पहला काम है कानून बनाना, दूसरा जनता के हितों से जुड़े, जनता की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर संसद का ध्यान आकर्षित करना है। लेकिन अब जो हो रहा है वो उसके विपरीत हो रहा है। अब संसद हंगामा और नारेबाजी के जरिए सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के अखाड़े का रूप लेती रही है। देश का मानसून सत्र 11 अगस्त को खत्म हुआ। इस दौरान संसद में हुए विरोध प्रदर्शन के कारण किसी भी मुद्दे पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाई। दोनों ही सदन, लोकसभा और राज्यसभा, हंगामेदार रहा। संसद की कार्यवाही पहले भी बाधित होती रही है, अवरोध पहले भी होता था, लेकिन जब से संसद की कार्यवाही का लाइव प्रसारण शुरू हुआ है तब से इस तरह के हंगामे और अवरोध ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। लाइव प्रसारण शुरू करने का मकसद कुछ और था, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े दलों ने इसका मकसद कुछ और ही बना दिया है। लाइव प्रसारण के जरिए देशवासियों को वो मौका देना था जिससे देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अपनी सरकार, अपने जनप्रतिनिधियों के संसद में कामकाज को सीधे देख सके, ये महसूस कर सके कि कैसे संसद में नागरिकों की बेहतरी के लिए जनप्रतिनिधि और सरकार काम करते हैं। लेकिन अब पार्टियों ने संसद को आपसी राजनीतिक विरोध का जगह बना दिया है। चाहे सत्ता पक्ष के सांसद हो या फिर विपक्ष के, दोनों को ही लगता है कि अगर वे लोग चिल्लाकर या नारेबाजी कर किसी मुद्दे को उठाएंगे या फिर एक दूसरे को जवाब देंगे तो इससे उनकी पार्टियों के समर्थक माने जाने वाले नागरिकों को लुभाने में मदद मिलेगी। अब संसद में लड़ाई इस चीज की है, पहले तो चर्चा होगी या नहीं होगी। होगी तो नियम कौन सा रहेगा, सत्ता पक्ष के लिए कौन सा नियम फायदेमंद रहेगा और विपक्ष के लिए कौन सा नियम ज्यादा लाभकारी साबित होगा। इन्हीं में उलझकर संसद की कार्रवाई लगातार बाधित होती रही है। अब मणिपुर हिंसा का ही उदाहरण ले ले, इससे ज्यादा गंभीर और संवेदनशील मुद्दा नहीं हो सकता। इसके बावजूद संसद के मानसून सत्र में ये मुद्दा नियमों के दाव पेच में उलझता हुआ नजर आया। राज्यसभा में विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा चाही ताकि लंबी चर्चा हो, वहीं सरकार नियम 176 के तहत चर्चा को राजी हुई ताकि कम वक्त की चर्चा हो। उसी तरह से लोकसभा में सरकार नियम 193 के तहत चर्चा के लिए राजी हुई जिसमें छोटी चर्चा होती है और मतदान की भी कोई व्यवस्था नहीं होती। वहीं विपक्ष लोकसभा में नियम 184 पर चर्चा चाहती थी ताकि लंबी चर्चा हो और बहस पूरी होने के बाद वोटिंग भी हो और नियम के इस फेर में उलझकर मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा ना के बराबर हुई। और सबसे दुखद ये रहा, संसद ठप रहा और बिल फिर भी पास होते गए। हंगामेदार मानसून सत्र में इस बार बिल पास कराने का अनोखा रिकॉर्ड भी बना लिया। इस सत्र में 17 बैठकें हुई जो लगभग 44 घंटे 15 मिनट तक चली। उसमें भी 20 घंटे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में चले गए। लोकसभा ने अपने निर्धारित समय के केवल 43%
और राज्यसभा ने 55% समय तक ही काम किया। ओम बिरला ने बताया कि मानसून सत्र में 4 सांसदों को निलंबित किया गया और चारों के चारों विपक्षी संजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, राघव चड्ढा और सुशील कुमार रिंकू। सरकार ने 17 बैठकों में कुल 25 विधेयक पेश किए, जिनमें से 20 विधेयक लोकसभा में और 5 राज्यसभा में पेश किए गए। 5 विधेयक तो आखिरी दिन ही पेश किए गए। इनमें से 23 विधेयक पारित भी हो गए। लोकसभा में 22 विधेयक पारित हुए, जिनमें से 20 पर 1 घंटे से भी कम चर्चा हुई। 9 विधेयक तो लोकसभा में महज 20 मिनट के भीतर ही पारित हो गए। लोकसभा में CGST और IGST संशोधन विधेयक पारित होने में तो 2 मिनट भी नहीं लगे। राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग बनाने का विधेयक महज 3 मिनट के भीतर लोकसभा में पारित हो गया। असल में सरकार ने पहले ही विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजना बंद कर दिया है। विधेयक सीधे संसद में पेश किए जा रहे हैं और वहां अगर विपक्ष का हंगामा चल रहा होता है तो बिना बहस के उसे पास करा लिया जाता है। क्या विपक्षी पार्टियों को यह बात समझ में नहीं आई कि बिना चर्चा के बिल पास होना देश के लिए अच्छा नहीं है? वे जिस एक मसले पर हंगामा कर रहे थे उस मसले का बहुत महत्व है, लेकिन क्या सरकार जो बिल पास करा रही थी उसका महत्व नहीं था? विपक्ष एक मुद्दे को लेकर उलझता रहा और ऐसे कई मुद्दे उसकी नाक के नीचे से निकल जाते रहे। अच्छी बात है कि उन्होंने मणिपुर के मसले पर सरकार को घेरा या प्रधानमंत्री के बयान की मांग की, लेकिन क्या सचमुच विपक्षी पार्टियों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री ने संसद में मणिपुर पर जो बयान दिया उससे मणिपुर की समस्या का समाधान हो जाएगा? पता सबको है, पक्ष को भी, विपक्ष को भी, जनता को भी, कि ना तो ऐसा अब तक हुआ है और ऐसा होगा। अब यह सवाल उठता है कि क्या विपक्ष और सरकार दोनों अपनी संसदीय जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन कर रही है? अब हंगामा हुआ तो नुकसान तो होना ही था। आज के समय में संसद की तुलना सफेद हाथी से की जा सकती है, जिसको पालना यानी कि चलाना एक अलग ही टास्क है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि संसद में एक दिन सत्र को कराने में कितनी मोटी रकम खर्च होती है? आप जानकर हैरान होंगे कि देश में रहने वाले टैक्स पेयर्स के पैसों का नुकसान हर घंटे केवल संसद में नेताओं के हो हल्ले के कारण हो रहा है। संसद की कार्रवाई पर कितना खर्च आता है? एक अनुमान के मुताबिक संसद चलाने के लिए प्रत्येक मिनट में सरकारी खजाने पर लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। आसान भाषा में कहूं तो 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। लोकसभा के आंकड़ों के मुताबिक एक सांसद को हर महीने लगभग 1,40,000 रुपए सैलरी मिलती है। और इतना ही नहीं, सांसदों को साल भर में 34 हवाई यात्राओं का लाभ भी मिलता है और सांसद ट्रेन और सड़क यात्रा के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। संसद में पूछे जाने वाले एक सवाल के लिए लाखों टन पेपर प्रिंट होते हैं, जिन्हें अलग अलग मंत्रालयों में भेजा जाता है, जिसके लिए प्रिंट करने के लिए कागज, स्याही, लोग, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल से जैसे तमाम खर्चे होते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि संसद की एक दिन की कार्रवाई में कितना पैसा खर्च होता है। अब आपको बताते हैं कि संसद में कार्रवाई चलती कैसे है। सुबह 11 बजे से संसद की कार्रवाई शुरू होती है जो शाम 6 बजे तक चलती है। इसी बीच सांसदों को लंच ब्रेक भी मिलता है जो दोपहर 1 से 2 बजे के बीच होता है। शनिवार और रविवार को छोड़ 5 दिन संसद की कार्रवाई जारी रहती है। अगर सत्र के दौरान कोई फेस्टिवल पड़ जाए तो संसद का अवकाश माना जाता है। साल में संसद के 3 सत्र कब कब होते हैं? बजट सत्र फरवरी से लेकर मई, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त सितंबर, शीत सत्र नवंबर से दिसंबर। वैसे रोजाना संसद सत्र के 7 घंटों में 1 घंटा लंच को हटाकर बचते हैं 6 घंटे। इन 6 घंटों में दोनों सदनों में केवल विरोध,
हल्ला और शोर होता है, जिसके कारण हर मिनट में 2.5 लाख रुपए बर्बाद हो रहे हैं। संसद में हंगामा होने के कारण आम आदमी का 2.5 लाख रुपए हर मिनट बर्बाद होता है और ये सरकारी खजाना देश के नागरिकों के खून पसीने से की गई मेहनत का ही एक हिस्सा है। साल में 3 बार संसद का सत्र चलता है और हर सत्र के बाद पिछले कई सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि साल की कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा हंगामा और अवरोध की भेंट चढ़ गया। संसदीय कार्रवाई की उत्पादकता दर लगातार घटती जा रही है, संसद का कार्य लगातार सिकुड़ता जा रहा है और सारी भैंसे प्राइम टाइम पर टीवी स्क्रीन पर होने लगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद का सुचारू संचालन सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। चुनावों में देश की जनता सिर्फ सरकार नहीं चुनती, वह विपक्ष भी चुनती है। अगर उसकी चुनी सरकार की कुछ जिम्मेदारी है तो उसके द्वारा चुने गए विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी है। कोई एक मुद्दा चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों नहीं हो, उस पर संसद को पूरे सत्र में ठप किए रखना कहीं से भी अच्छी संसदीय राजनीति नहीं कही जाएगी। संसद में हंगामा और अवरोध सिर्फ जनता के पैसे की बर्बादी तक ही सीमित नहीं है, ये जनता के साथ एक तरह का धोखा भी है। आज राजनीति में नित नए नाटक हो रहे हैं। वैसे भी आजकल संसद को तो टाइम पास और मनोरंजन का मुख्यालय बना दिया गया है। हमारे राजनीतिक करणधारों को देश, देशवासी व उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस पैसा अर्जित करना है और अपनी स्वार्थी राजनीति करना है। उन्होंने देश व देशवासियों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। उन्हें 5 साल में सिर्फ 1 बार मजबूरीवश देशवासियों के सामने वोट की भीख मांगने जाना पड़ता है, उसे समय अनुसार साध लेते हैं और फिर 5 साल के लिए बेफिक्र हो जाते हैं। यह तो हुई आज के राजनेताओं की बात। अब यदि हम देशवासी यानी आम वोटर की बात करें तो मेरी नजर में आज की इस स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ देशवासी या आम वोटर ही जिम्मेदार है, जो पिछले 75 सालों में भी सच्चा व राष्ट्रभक्त देशवासी नहीं बन पाया। वह यदि चाहता तो देश की मौजूदा स्थिति को कभी का सही पटरी पर ले आता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि आज के राजनेताओं ने उसे अपनी निजी समस्याओं में इतना उलझा दिया कि उसे देश, दुनिया व राजनेताओं के बारे में सोचने और सही कदम उठाने की फुर्सत ही नहीं मिल पाई। अभी से और कुछ नहीं, सिर्फ हमारे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। संसद की कार्रवाई पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।